आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इफ देयर आर नो ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर देन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो पहले जानते हैं कि जो मेरा ग्रीन हाउस गैसेस होता है इन द एटमॉस्फेयर, वो मेरा कौन कौन सा होता है? तो ये हो गया मेरा अर्थ, ये हो गया मेरा अर्थ। तो अर्थ के जो मेरा एटमॉस्फेयर होता है, यहाँ पर मेरा जो एटमॉस्फेयर होता है, और ये मेरा होता है सन, ये मेरा क्या है अर्थ। तो इन एटमॉस्फेयर में जो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड सीएफसी गैस होता है, ये क्या करता है कि जो सन से जो मेरा रेडिएशन आता है, इस रेडिएशन को क्या करता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। ये जो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या करेगा, ये जो मेरा रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेगा। तो अब्सॉर्ब कर लेगा तो यहाँ पर क्या होगा, एटमॉस्फेयर का जो मेरा टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर इसका जो मेरा टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर अगर मेरा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मेरा क्या होगा, प्लैनेट का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्लैनेट टेम्परेचर इंक्रीज। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या पूछ रहा है, इफ देयर वर नो ग्रीन हाउस गैसेस, तो यहाँ पर क्या है, नो कार्बन डाइऑक्साइड, नो सीएफसी। तो अगर मेरा एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो प्लैनेट का टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, डिक्रीजेस। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।